और अब बात करेंगे सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती 2021 की, जिसमें पेपर लीक के आरोपी बाबूलाल कटारा को एसओजी आज अजमेर में आरपीएससी के ऑफिस लेकर पहुंची है। कटारा के सील्ड चैम्बर को उसके सामने ही खुलवाया गया है और उसके अंदर ही कटारा से पूछताछ की जा रही है। आयोग के निलंबित मेंबर कटारा ने ही पूर्व मेंबर रामूराम रायका को भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था। कटारा पर सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने का भी आरोप है। सूत्रों के अनुसार आयोग के अफसरों और कटारा से आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। इधर जोधपुर के एक स्कूल में एसआई पेपर में नकल करवाने को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी की पूछताछ में सामने आया है कि पेपर से एक दिन पहले बकायदा आरोपी कैंडिडेट्स के साथ स्कूल संचालक ने मॉक ड्रिल किया था और पूरा सौदा 12 लाख रुपए में तय हुआ था। तो अजमेर में आज एसओजी की टीम कटारा के दफ्तर बाबूलाल कटारा को लेकर जाएगी और टीम के सामने ही बाबूलाल कटारा के ऑफिस को खंगाला जाएगा। या अभी सील बंद है ऑफिस और वहां पर ऑफिस के अंदर, कटारा के ऑफिस के अंदर ही सबूत जुटाए जाएंगे। आपको बता दें रामू राम को, जो जिसने अपने बच्चों को पेपर लीक द्वारा पास करवाया था एसआई भर्ती, रामू राम को पेपर देने वाला भी बाबूलाल कटारा ही था। तो एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था प्रदेश के अंदर और इसीलिए पेपर लीक की वजह से लाखों युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद हुआ। इन आरोपियों की वजह से कई युवाओं का जो भविष्य है वो खराब हुआ। तो अजमेर में आपको बता दें आज एक बार फिर से एसओजी की टीम पूछताछ करेगी पेपर लीक के आरोपियों के साथ।